क्या आपने कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो छोटी छोटी सी बातों पे उनका बहुत जल्दी मूड ख़राब हो जाता है, या अगर वो कोई एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि किसी जगह पर जाना है, किसी से बात करनी है, या कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा है और अगर उनके मुताबिक नहीं होता तो उनका मूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और ये मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी आते हैं और बड़ी देर तक रहते हैं, और उसके बाद उसके इन बिटवीन कभी वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कभी उनको बिल्कुल लो फील हो रहा होता है, और कभी वो सैडनेस की तरफ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मूड स्विंग्स किन लोगों को ज़्यादा होते हैं, और अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं तो किस तरह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आई एम आमना इफ्तखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज इस जिस तरह मैंने आपसे बात की है वीडियो में कि हम बात करेंगे कि किस तरह से आप छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं, अगर कुछ आपके मुताबिक नहीं हो रहा होता तो आपका मूड ख़राब होता है और वो बड़े लंबे अरसे तक आपके साथ चल रहा होता है, जिसमें आपका काम करने को भी दिल नहीं करता, आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करता, और वो इतना प्रोलॉन्ग चल रहा होता है कि उसके बाद आपको लग रहा होता है कि शायद दूसरे आपसे प्यार नहीं करते, आपकी बात नहीं समझते, आपके मुताबिक नहीं है, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर हम मूड स्विंग्स की बात करें या हम मूड की बात करें, तो मूड हम कहते हैं जब आपकी एक रिलेटिवली परमानेंट स्टेट होती है, जिसमें कुछ लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश रहते हैं बगैर किसी वजह के, जिन्हें हम वो आम अल्फाज में कहते हैं कि वो खुश अखलाक होते हैं, हंसमुख होते हैं, जल्दी से लोगों से मिल घुल जाते हैं, हर एक के साथ कंफर्टेबल होते हैं, अपने दिल की बात भी आराम से शेयर कर लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े रिजर्व होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, वो ना तो बहुत जल्दी घुलते मिलते हैं, ना ही अपनी बातें किसी से शेयर करते हैं, और अक्सर औकात वो लोगों से दूर रहते हैं। अब मूड का ताल्लुक हर इंसान से डिफरेंट होता है। कुछ लोग, जिस तरह मैंने बताया है, कि वो ईजिली इफेक्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनका जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है वो बेहतर होता है। अब मूड स्विंग्स किन लोगों को जो है वो ज़्यादा होते हैं? मूड स्विंग्स जो लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं या जो लोग ओवर थिंकर होते हैं, उन लोगों का मूड जो होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है या जल्दी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इनको ठीक होने में तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है, या जब तक उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं होना शुरू हो जाती तब तक वो डिस्टर्ब रहते हैं। दूसरी, इसमें कुछ वजह ऐसी होती है जो कि बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोनल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है, आप इरिटेबल ज़्यादा हो जाते हो, आपको गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आपको थायराइड का इशू है तो उसमें अक्सर औकात हमने देखा है कि लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, या अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला है तो उसमें भी आपके मूड स्विंग्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आप किसी भी फिज़िकल इलनेस का शिकार है तो उसमें भी आपके जो मूड होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हम देखें तो साइकोलॉजिकली ओवर सेंसिटिव लोग, ओवर थिंकर लोग जो होते हैं वो ज़्यादा, उनके साथ मूड स्विंग्स का इशू जो होता है वो आ रहा होता है। अब मैं आपके साथ बात करूंगी कि अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो हम उनको कैसे फिक्स कर सकते हैं। पहली चीज़ आज इस वीडियो के बाद आपने अपने साथ करनी शुरू करनी है कि जब भी आपके मूड स्विंग्स हो तो कोशिश करें कि आप ना बात करें। जितना आप शेयर करते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, जब आप बात करते हैं तो एक्चुअली आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट करते हैं। जब कोई आपको एक तसल्ली दे देता है, एक रीअश्योरेंस दे देता है या एक सपोर्ट दे देता है, तो उससे आपका मूड जो होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। जब तक आप किसी भी चीज़ को अपने तक रखेंगे और उसको सोचते रहेंगे तो आप खुद ही उसका सवाल कर रहे होते हैं और आप खुद ही उसको जवाब दे रहे होते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि वो मज़ीद आपका मूड और ख़राब हो जाता है। दूसरा काम ये करें कि जब आप शेयर कर लेते हैं, कोशिश किया करें कि अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर के साथ लेकर चले, एक स्केजुअल के साथ लेकर चले। जब आपके काम करने की रूटीन होगी, जब आपकी खाना खाने की रूटीन होगी, जब आपकी सोने उठने की रूटीन होगी, तो आपका मूड जो है वो रेगुलेट रहता है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आपका माइंड हेल्दी रहता है। एंड लास्ट में मैं कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके मूड स्विंग्स इतने सवेयर है जिसकी वजह से आपको काम पे मुश्किल होती है, आपको घर में अपने रिलेशनशिप्स के साथ मुश्किल होती है, तो कोशिश करें कि उसके लिए मेंटल हेल्थ को ज़रूर कंसिडर करें, ताकि एक प्रोफेशनल के साथ आपके मेंटल हेल्थ इशू को जो है वो हम बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।